फिर वो मधु को बाजार भेजते हैं, फिर उसको माटू माटू हिटाते हैं, फिर लहंगा घुमाते हैं, चलो अब इंदर आर्या को बुलाते हैं, तो जोरदार तालियों से इंदर आर्या का स्वागत करें। चैनल कैसा है सब लोग, आए सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर पे मस्त होंगे। जैसा कि आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम देहरादून गए थे शो पे इंदर दा के, और हम रात रात वापस आ गए, और उसी दिन वापस आ गए थे। अभी सुबह मैं घर पे पहुंचा रेडी होके, अब जा रहा हूँ मैं सीधा कहाँ देवाल, अंदर का शो है तो अभी निकल रहे हैं, चलो मिलते हैं अभी सबसे। तो गाइस देहरादून से आके अब जा रहे हैं कहाँ, धौला देवी, धौला देवी, अरे हाँ धौला देवी जा रहे हैं भाई। रातों रात देहरादून से आके घर पहुंच गए, टैच चेंज करके सीधे भागा भागे, अब जा रहे हम धौला देवी, और वहाँ दिन में 11 बजे शो है, 11 बजे 12 एक बजे तक स्टार्ट होगा ना, और टाइम हो रहा है 7:30, सब बता दो तुम 7:30 अपनी ब्लॉगिंग कर से। लेकिन आशु भाई ने जो रात भर गाड़ी चलाई ना सुबह तक, मजा यार आशु भाई को, यार क्या गाड़ी चलाई इसको 21 तो मतलब भाई ने ना झपकी भी नहीं मारी, ऐसे आँख खोल के रखे थे, मैं बगल मैंने दो झपकी मारी, नहीं आई यार ये भयंकर, जिसको बार बार झपकियां लग रही है, चाय पिला दे यार, फिर मैंने चाय कहाँ मिला, मेरे रेस्टोरेंट मिले रास्ते, अच्छे चाय बनाई थी, बस ये सब सोए थे, ये आशु भाई और हम ही थे आँख खोलने वाले लाइट की तरह। रात को आएंगे ना इंद्रदा, रात को हम 12 बजे फल मिलेगा हर चीज, ये बात हमारे छोटे भाई दाऊद जी एंड बहुत ही अच्छा कीबोर्ड प्ले करते हैं, और बहुत जल्दी ये हमारे उत्तराखंड के जो गाने आएंगे उन पे भी कीबोर्ड इनका ही हाथ होगा, और बहुत इनका भविष्य मतलब बहुत बढ़िया। हमारे बीच में भी आने वाले राकेश पनेरुस भाई, वो अभी पता नहीं कहाँ पर है, खुटानी साइड है उनको, भी वहाँ सोए हो तो अभी बीच में वो आएंगे, और ये दर्द हो रही थी तो ये पहन लिया मैंने, रात भर पहनते रात भर ना चलते चलते दर्द हो गया था यहाँ पे, तभी मैंने ये पहन लिया था। चलो आपको मिलते हैं अभी राकेश भाई के साथ। तो गाइस बनेरू भाई बड़ी मुश्किल से टाइम पे नहीं आए, बड़ी मुश्किल से, अरे मैचिंग मैचिंग का घर से सोच के आए थे क्या, क्या बताया जगह, अभी मतलब हम यहाँ पर कितना 1 घंटा वेट करना पड़ा, कोई नहीं आज पहुँच तो गए, पता नहीं कहाँ रुके थे, नैनीताल थे कहीं होटल में थे, बड़े लोग ने नहीं किया वे। तो था क्या आपका, अच्छा इस शो से वहाँ रुके थे ना, क्योंकि इनको यहाँ पहुँचना था, चलो अब चलते साथ साथ। तो गाइस टाइम हो चुका है 11, और हम अभी कहाँ पहुँचे इंदर तक बताएंगे, इंदर तक कहाँ पहुँचे, पहाड़ पानी पहुँच गए यार, ये दही है, नहीं हो पाएगा यार दही है, रोटी है, आलू है, रायता है, भटकी दाल है, भटकी दाल है, चने है, और सलाद है, और यहाँ ये देखो इंदर दा, और यहाँ दीपक रावत भाई नहीं खा रहे क्योंकि ये खाने की आदत, क्यों मैं बचपन में स्कूल जाता था ना, ऐसी मजा आता था, ग्वाला जा रहे हो स्कूल जा रहे हो ना, तो अरे घुमा के आलू कैसे, तो इनकी आदत ऐसी, तो यहाँ सब लोग खा रहे हैं, इनके लिए छोले आ गए देखो। तो गाइस थोड़ी देर खाने के बाद मिलते हैं आपको, तो ठीक है अभी ऐसे थक गए ना, एक तो भाई आके सोच लिया क्योंकि कल से ट्रैवलिंग ही हो रहा है, अच्छे लगा दे पता नहीं इसके बाद कहाँ जाऊंगा मैं, अभी यहाँ शो खत्म होगा 5 बजे तो हम वापसी करेंगे हल्द्वानी, फिर कल देखेंगे कल कहाँ जाता हूँ, पता ही चल जाएगा ब्लॉग पे आपको इसके बाद, तो अभी खाना खाते फिर। तो गाइस खाना खा लिया आशु भाई, कैसा लगा खाना, एनर्जी कहाँ से आ रही है, बहुत बढ़िया, अच्छा होगा पहाड़ी खाना, एनर्जी लानी पड़ रही है भाई। और यहाँ पता है चूल्हे में खाना बन रहा था, बहुत अच्छा खाना, धौला देवी एक दो घंटे पहुंच जाएंगे, और अभी 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम, तो गाइस चलते हैं जल्दी, ये अभी जल्दी ऐसी हालत हो जाएगी आज, तब तक ओके था, ओके था, गाड़ी में बैठते हैं, आगे बैठो मत देखा, इनको आगे बैठने की रहती है यार, उनको उल्टी होती शायद इसको, चलो भाई हम तो बैठते हैं यार, मैं सोच रहा था तो गाइस चलते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 1:30, और फाइनली हम शो पे पहुंच चुके हैं जहाँ शो होने वाला, पहले अभी दनिया पे हम अभी किसी के हाथ चेंज करने आए थे नीचे, यहाँ पर हमारा वाला शूट हुआ था बर्मा सुनारा वाला, ये देखो ये भी चेंज करके आ गए, ब्लैक ब्लैक
क्वाइट। ओ भाई साहब राकेश आज तो खतरनाक ही कर देगा रे भाई। क्या नाम होता राकेश ये भी, अरे दो दो राकेश। तो चलते हैं अभी वहाँ जाते हैं। म्यूजिशियन वाले भी पहुँच चुके हैं, ये देखो आ रहे वो देखो पहुँच गए, सब लोग पहुँच गए। और देखते हैं कैसा रहता है प्रोग्राम, मज़ा आएगा कल की तरह जैसा इससे पहले वाले ब्लॉग में रहा है, यहाँ अभी बहुत ही मज़ा आएगा। लेट हो गए ना, थोड़ा लेट हो गए, वहीं लेंगे आराम से, ठीक है वहीं लेट हो गए, लेट अच्छा ना, थोड़ा लेट हो गए ना, वहीं लेंगे आराम से। तो गाइस कसम से 5-6-7 बाइक है पीछे से, 6-7 बाइक है, वो रोक करे लेकिन रोक नहीं सकते क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी हमें, और हमें स्टेज में अब वहीं जाएंगे तो वहीं सबके साथ अच्छे से फोटो हो गया। तो गाइस लोग देखो सब लोग यहाँ खड़े हो गए पहले से। कितना दूर है यहाँ से पैदल? थोड़ा है, स्कूटी में आओगे आगे का। हेलो हेलो जोशी फोन यार, अरे यहाँ अरे लेट है क्या? सिस्टम। तो गाइस हमने गाड़ी चेंज कर ली थोड़ा ना यार, सिस्टम समझ रहे हो तुम, भयंकर वीआईपी गाड़ी में जा रहे हो तुम। ये भी मेरी गाड़ी है, ये भी इंद्रदा की है, भाई की इनके है भैया, क्योंकि ना वहाँ कच्ची सड़क है ना तो छोटी गाड़ी जानी रही है, तो मैक्सिमम गए हम सब लोग। देखो आज तो पनीर दा और इंदर दा का जलवा ही रहेगा, तेरा ही चलवा। और रास्ते में ना इंदर दा को सबने घेर लिया था तो फोटो शूट हो चुका है अभी, लेकिन वहाँ और ज्यादा घेरेंगे तो आशु भाई को आप बिल्कुल बाउंसर बन के रहना है। एंकर भी हमारे, अरे एंकर भी है ये, हैंगर नहीं एंकर। चलो चलते हैं देखते हैं वहाँ का क्राउड कितना है। ये है देखो कच्ची रोड, देखो मंदिर, ये देखो मंदिर, प्रेम मंदिर वो देखो यहाँ पे बंद तो नहीं है, बस इनके पीछे जाए। और अभी यहाँ पे वहीं जा रहा है ये कचरा मंदिर, और पता है यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी है तो अब पैदल जा रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा पैदल मतलब। और गांव देखो कितना सही लग रहा है, ये पाथर वाला बनाना है। जय चलते जाओ ये भाई, क्या मंदिर लग रहा है यहाँ से, कैसा लग रहा है पनर भाई? मस्त जगह लग रही ना भाई, पब्लिक देखो यार, क्राउड बहुत है, मजा आएगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी भीड़ लाने के लिए, इतना मनाने के लिए। तो आप लोगों को किसका इंतजार है, आवाज नहीं आ रही, किसका इंतजार है आप लोगों को, किसके लिए आए हैं आप, किसको सुन रहे हैं, चलो आवाज निकालो किसको। और आप इंदर आर्या, तो कौन कौन यहाँ इंदर आर्या का फैन है, हाथ खड़ा करे। आपको मालूम होना चाहिए वो अल्मोड़ा के ही हैं, दनिया के रहने वाले बागपाली जी। तो उससे पहले हम आपको एक और परिचित बहुत प्यारे सिंगर के पनेरू भाई कन्या से, जो में रहते हैं उनकी इतनी मधुर आवाज है, वो समझ लो जब भी गाते हैं तो थोड़ी झलकियाँ थोड़ी छाया उनकी। तालियों से स्वागत करें राकेश पनेरू का, फिर उसके बाद आपको जी जाएंगे आर्या। आप सभी का यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, सभी को राकेश पनेरू का प्यार भरा नमस्कार, आवाज सेट नहीं हुई, हरे कृष्णा, सभी को श्री राधे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you.
और मिट्टी मिट्टी ताली के साथ बाल बालों के बाल मिठाई, बाल मिठाई। और दूसरी चीज क्या फेमस है बता सकते हो? बाल मिठाई तो है, दूसरी चीज क्या फेमस है? पूरा रटके आया लग रहा सुबह यार। है आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज। सही जवाब इंदर आर्या। तो अल्मोड़ा में एक स्लोगन चलता है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई इंदर भाई, इंदर भाई। तो इंदर भाई को बुलाया जाए। मधु गाना आया था, माटू माटू आया था। तो इंदर आर्या को बुलाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले तो वो मधु को बाजार भेजते हैं, फिर उसको माटू माटू हिटाते हैं, फिर लहंगा घुमाते हैं, चलो अब इंदर आर्या को बुलाते हैं। तो जोरदार तालियों से इंदर आर्या का स्वागत करें। नमस्कार, प्यार भरी पहलाद और कृष्ण जन्माष्टमी सभी के हार्दिक शुभकामनाएं। तो और गाना सुनना लहंगा वाले, आवाज नहीं आई, माथू माथू एक पतली चाह रुपया ले सोरा सा अगला हरी आयो सब लोग। तो शो चल रहा है, तो मैं अपने सोचा कि थोड़ा मैं भी यहाँ पर फ्री था, मैं आपको यहाँ का मंदिर दिखाता हूँ। ये है प्रेम मंदिर, जो कितना सही है, चारों तरफ से इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे, मतलब ये पूरा ये टॉप पे है, टॉप पे है ये पूरा, ऊपर से नीचे तक पूरा टॉप पे है। और यहाँ से नीचे एक ये एंट्रेंस है, देखो ये देखो ये है मंदिर, ये देखो और ये देखो पूरा चारों तरफ से है ऐसे।
इसके नीचे है पूरा खाई, खाई होगी ये वो मंदिर भैया, देखो मंदिर कितना सही लग रहा है। और गाइस ये मंदिर में मतलब फोटो वीडियो लेना मना है, मतलब भगवान की फोटो लेना है, फोटो खींच सकते हो, पर मंदिर की लेना बहुत मना, मना तो मना ही है, पूरा मना है। और यहाँ का नाम है आपको मैं दिखाता हूँ, इस मंदिर का नाम है प्रेम मंदिर। ये वृंदावन वाला मंदिर नहीं है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पे आता है मंदिर। और यह देखो कितना सही लग रहा है, ये लिखा है यहाँ पर देखो, ये डिजाइन दिया है राधे राधे, और हार्ट शेप बना है बीच पे। और ये क्या है, और एक हार्ट शेप इस पे दिया है, राधा कृष्ण दोनों की फोटो है। ये देखो कितना सही लग रहा है, एक फोटो ये है देखो राधा कृष्ण की। और यहाँ पे चल रहा है शो, पहुंचेंगे 5:10 हम वहाँ से निकल चुके हैं, और अभी जंगल में पैदल पैदल चले, क्योंकि यहाँ कच्ची रोड है। देखो ये स्कूटी स्कूटी जा रही है पीछे और आ गई। और जहाँ ये प्रोग्राम था ये था खटेलिया धोला देवी जावे सर पे था, और चलो आपको ना अभी गाड़ी में मिलता है, ठीक है। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:30 और मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। इतना थक गया हूँ ना, बहुत थक गया हूँ, क्योंकि हम दो दिन पहले दिन हम गए थे देहरादून, फिर उसी रात को वापस पहुंचे। आज कितने बजे, सुबह 7 बजे पहुंचे थे हल्द्वानी, फिर रेडी हुआ फटाफट, फिर गए हम सीधे कहाँ, दनिया साइड एक गाँव है कृष्ण, वहाँ प्रेम मंदिर था, तो वहाँ उनका शो था, फिर वहाँ गए। फिर अभी वहाँ से हम ट्रैवलिंग की, हमने 4:30 या 5 बजे निकले हम वहाँ से, 5:30 बजे निकले होंगे, और फाइनली अब हम 10:30 बजे घर पहुंचे हैं। और इतना थक गया ना, रास्ते में कुछ नहीं बनाया हमने, खाना भी खा लिया है और अभी बहुत थक चुके हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।